वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज की पोएम का नाम है द मेडल बाय तौफिक राफत। और ये जो पोएम है ये सोल्जर्स आर्मी रिलेटेड है। एंड जब हम इनकी बात करते तो थोड़ी सैड है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारे फाइटर्स हैं वो उनमें से कुछ बच जाते हैं और कुछ शहीद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तौफिक जी ने उनकी बात नहीं की गई है, उनकी फैमिली पर बात की है। मतलब कि उनकी फैमिली पे क्या बीतती है उनके जाने के बाद। तो ये यहाँ पर एक वॉइस बने हैं एक फैमिली की, एक विडो की। सो यहाँ पर विडो बेसिकली मतलब विधवा। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, एक जो औरत है वो अपनी तकलीफ बताती है जब उसके पति की मौत हो जाती है। और यहाँ पर इस पोएम का नाम द मेडल क्यों है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। व्हेन द टेलीग्राम अराइव आई वॉज कॉम्बिंग माई हेयर इन द सन एंड गॉसिपिंग विद द सर्वेंट्स, इट सेड द गवर्नमेंट वॉज सॉरी, माई हस्बैंड वॉज डेड किल्ड इन एक्शन। तो यहाँ पर इसका ये मतलब है कि उन्हें एक मैसेज मिलता है। ओके, उस सोल्जर की वाइफ को मैसेज मिलता है कि अब उनके हस्बैंड नहीं रहे हैं, उनकी डेथ हो गई है किल्ड इन एक्शन। किल्ड इन एक्शन का मतलब यहाँ पर वॉर की बात कर रहे हैं, तो किसी वॉर में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। ओके, तो ये यहाँ पर बहुत ही सिंपल मतलब था फर्स्ट स्टैंजा की। देन फॉर टू डेज आई डिड नॉट नो व्हाट हैड हैपेंड, देन आई वोक टू मदर्स वॉइस इन द नेक्स्ट रूम कम्फर्टिंग अ वीपिंग नेबर एज इफ शी वर द बीरेव्ड वन। स्लोली फुल कॉन्शियसनेस रिटर्न आई ड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ विडो। यहाँ पर बात की गई है कि दो दिन बाद उसको होश आता है। एक्चुअली जब उस लेडी को पता चलता है, जब उस औरत को पता चलता है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो बेहोश हो जाती है और 2 दिन बाद उसको होश आता है। और वो सुनती है, सबसे पहले जैसे ही वो उठती है तो उसको सुनाई देता है कि उसकी माँ है वो रो रही होती है, और जो नेबर होते हैं, जो हमारे नेबर होते हैं हमारे घर के आसपास के जो लोग होते हैं, वो आके उन्हें चुप करा रहे हैं। सॉरी, तो जो नेबर है वो आके चुप करा रहे हैं उनकी माँ को, उनको दिलासा दे रहे हैं, सिंपथी दिखा रहे हैं, एज इफ शी वर द बीरेव्ड वन। मतलब कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आज न्यूज आई है, ठीक है, तो वो जो नेबर्स है वो कब तक सिंपथी दिखाएंगे, कब तक दिलासा देंगे, आज कल परसों मैक्स टू मैक्स 1 वीक, उसके बाद सब अपने काम में लग जाएंगे। उनको मतलब भी नहीं होगा कि उनकी फैमिली कैसे जी रही है, उनकी फैमिली ठीक है कि नहीं है, और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी वाइफ की क्या हालत है, उनको मतलब नहीं होगा। तो वही वो बोल रही है कि सिर्फ 1-2 दिन के लिए दिलासा दिलाने आए हैं, उसके बाद हमें ज़िंदगी तो अकेले जीनी है बिना किसी हेल्प के। तो फिर से धीरे धीरे उसका जो कॉन्शियसनेस है वो वापस आ जाता है एंड उसने लिखा आई ड्रेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ विडो। एज वी ऑल नो कि जब अगर किसी औरत के पति की डेथ हो जाती है तो वो पूरा वाइट क्लोथ पहनती है, और ना मतलब वो अपने आप को डेकोरेट नहीं कर सकती, वो सज संवर नहीं सकती हैं। तो उसने फर्स्ट टाइम एज अ विडो ड्रेस पहना। एंड देन नेक्स्ट स्टैंजा में आता है आई एट माई फर्स्ट मील एज अ विडो। तो पहला जो मील था उसने फर्स्ट मील लिया एज अ विडो। तो फर्स्ट मील यहाँ पर मतलब ये है कि जो विडोज का जो खाना होता है बहुत सिंपल होता है, बहुत सादा होता है, उनमें ऑनियन यूज नहीं होता, टमाटोज यूज नहीं होता, इट्स लाइक वेरी सिंपल, नो मसाला एंड ऑल। तो ये होता है, मतलब आज भी ये काफ़ी जगह हो रहा है बट एक्चुअली ये नहीं होना चाहिए। इवन काफ़ी लोग अभी भी इन चीज़ों को मानते हैं और ये करते हैं। एंड यू नो अबाउट द सती प्रथा एंड ऑल, पहले तो क्या करते थे कि अगर हस्बैंड नहीं रहा तो जो वाइफ को है वो जला दिया करते थे। तो मतलब पहले तो बहुत ही हॉरिबल केस था, अभी तो फिर भी ठीक है। सो फिर नेक्स्ट वो बोलती है व्हेन आई वाज रिजाइन टू थिंकिंग ऑफ हिम एज लाइंग स्कैटर्ड इन अ राइस फील्ड, अ थाई बोन हियर, अ ब्रेस्ट बोन देयर, द रेस्ट गिफ्टेड टू द वल्चर्स, द प्रिंटेड हिज नेम्स इन द पेपर्स एंड अ फोटोग्राफ ऑफ हिज बैचलर डेज। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो उसके बारे में सोचती रहती है, अपने पति के बारे में सोचती रहती है, वो कोशिश करती है भूलने की बट अपनों को भूला नहीं जा सकता, बहुत टाइम लग जाता है एंड वो हमेशा याद रहता है, लाइक बहुत टाइम लग जाता है संभालने को अपने आप को, लेकिन हम भूल नहीं सकते हैं।
तो फिर यहाँ पर वो बोलती, मतलब वो बिखर चुकी होती है एक तरह से, क्योंकि उसके ऑब्वियसली जब हमारे अपनों में से किसी की डेथ हो जाती है तो वो बिखर जाते हैं। एंड फिर उस पे लिखा है कि दे प्रिंटेड हिज नेम इन द पेपर एज अ फोटोग्राफ ऑफ हिज बैचलर डेज। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मीडिया वाले होते हैं वो ये तो कवर करते हैं कि एक सोल्जर ने अपनी जान गंवा दी, इतने टेररिस्ट को मार दिया, और अब इनको मेडल मिलेगा, ये मिलेगा, मतलब उनको जो भी है ट्रॉफीज मिलेगी उनकी डेथ के बाद जो मिलती है। तो पेपर में न्यू इवन न्यूज़पेपर वाले भी फैमिली में बहुत कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। मीडिया वाले कभी बहुत कम होते हैं कि जाके कवर करते हैं उनके घर में क्या हालत है। वो भी सब अगर जाते भी तो एक दो दिन के लिए, शायद मतलब हर महीने जाके वो नहीं पूछने वाले कि उनकी क्या हालत है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि न्यूज़पेपर में उसके हस्बैंड को एक बैचलर दिखाया गया है, लाइक अनमैरिड, एक्चुअली वो मैरिड है बट उसे अनमैरिड दिखाया गया है। तो यहाँ पर वाइफ की कोई वैल्यू नहीं दे रही, और यहाँ पर जो विडो होती है, जो उस सोल्जर की जो वाइफ थी, उसको एज अ विडो लोग देखते हैं, ना कि मार्टिस लाइफ, सॉरी मार्टिस वाइफ। तो कोई उसको ये नहीं देखता कि वो एक सोल्जर की, एक जवान की वाइफ थी, बल्कि सब उसको एज अ विधवा देखते हैं। तो ये चीज़ उसको बहुत बुरी लगती है कि न्यूज़पेपर में उसको उसका नाम कहीं है ही नहीं, उसने अपने पति को गवा दिया, मतलब फैमिली भी तो सैक्रिफाइस ही करती है ना। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है, ही हैड डाइड अ हीरो, द फ्रेंड्स ट्रूप्ड इन अगेन, दिस टाइम टू कॉन्ग्रेचुलेट, आई हर्ड माई फादर एक्सेप्टिंग द ट्रिब्यूट विद अ टायर्ड माउथ, आई वॉज इन्वाइटेड टू द सेरेमनी वेयर द जनरल गेव मी अ मेडल एंड पैटेड माई सन ऑन द हेड। इस स्टैंजा में क्या होता है कि वो एक हीरो के तरह मर गए। मतलब जब सोल्जर्स, आर्मी मैन, फाइटर्स जब मर जाते हैं, कमांडर्स जो होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनको एज अ हीरो याद रखा जाता है, ठीक है। और इस बार जो फ्रेंड्स थे वो आए थे बट कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कि वो कितने प्राउड हैं कि वो, मतलब उन्होंने लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी जान गंवा दी। एंड जो फिर वो बताती है कि मैंने सुना, मतलब मेरे जो फादर थे वो एक्सेप्ट कर रहे थे ट्रिब्यूट्स, मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे थे विद अ टायर्ड माउथ, मतलब वो थक चुके थे। ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है तो इंसान रो रो के बहुत थक जाता है, और सबसे मतलब सब लोग दिलासा देने आते हैं, मतलब हालत बहुत ख़राब होती है। सो इसमें यही बोला गया है कि आई हर्ड माई फादर एक्सेप्टिंग द ट्रिब्यूट विद अ टायर्ड माउथ। सो अब नेक्स्ट आता है, आई वॉज इन्वाइटेड टू द सेरेमनी वेयर द जनरल गेव मी अ मेडल। तो आप लोग को भी पता है कि रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो मेडल देते हैं किसको, वाइफ्स को, या फिर जो जो अनमैरिड होते हैं उनके भाई को या उनके मदर को। तो ऐसे ही उसको एक सेरेमनी में बुलाया जहाँ पर उसको मेडल दिया और उसके बेटे के सर में थपथपाया, पैटर्न मतलब होता है थपथपाना। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो ये है कि फॉर एन एंटायर वीक द लिटिल फेलो स्ट्रटेड अराउंड द बाजार विद द मेडल पिन्ड ऑन हिज शर्ट एंड द नेबर्स गेव हिम स्वीट्स, नाउ द मेडल इज लाइंग इट्स बॉक्स एंड इट इज टेकन आउट लेस एंड लेस। इस स्टैंजा का ये मतलब है कि ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक उसके बच्चे ने वो मेडल को लेके वो पूरे बाजार में दिखाता गया कि देखो मेरे पापा को क्या मिला है। तो वो बहुत खुश था, वो अपनी शर्ट में लगा के यहाँ से वहाँ घूमे जा रहा था, गलियों में दिखाया जा रहा था, नेबर्स उसको स्वीट दे रहे थे। बट उस बेचारे को ये नहीं पता था कि उसके जो जो उसके फादर को ये मेडल मरने के बाद मिला है, और जो उसके फादर हैं वो अब नहीं है इस दुनिया में। तो ये बात उसे नहीं पता थी। और बाद में था, नाउ द मेडल इज लाइंग इन इट्स बॉक्स, मतलब एक हफ्ते बाद होता है ना बच्चों के, हाँ जैसे कोई टॉयज भी लेते हैं वो, तो कुछ टाइम खेलने के बाद बोर हो जाते हैं, वैसे ही वो भी बोर हो गया था। और उसके बाद वो मेडल कहीं एक बॉक्स में टंगा हुआ था एंड इज टेकन आउट लेस एंड लेस, मतलब कि जो उसकी वैल्यू थी वो कम होती जा रही थी। अब हम यहाँ पर लास्ट स्टैंजा में आ चुके हैं। उसकी वाइफ बोलती है, जो विडो होती है वो बोलती है कि व्हाट शैल आई डू विद इट, व्हाट शैल आई डू विद इट, अ मेडल हैज नो हैंड्स नो लिप्स, इट इज एग्जैक्टली वॉट इट्स लुक लाइक, जस्ट अनदर पीस ऑफ ब्रॉन्ज। पहली बात तो इस पे जो मेन थीम है वो ये हो जाती है कि जो लड़की है वो एजुकेटेड है ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें इतनी ब्रेवरी है कि वो ये बात को रख पा रही है। तो वो बोल रही है कि मैं इस मेडल का क्या करूँ, ये एक जस्ट अ पीस ऑफ ब्रॉन्ज है मेरे लिए,
ठीक है, ये मेरे हस्बैंड का फिजिकल अपियरेंस मुझे नहीं मिल सकता इस मेडल के, कोई जो मेडल है वो किसी पर्सन की स्पेस नहीं ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली यही मतलब कहा गया है कि एक तो यहाँ पर एक जो थीम है वो लव भी है, लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो जो प्यार है जो कंफर्टेबल है वो एक हस्बैंड दे सकता है, एक मेडल नहीं। अपने बच्चों का ध्यान बातें करना ये सब हस्बैंड कर सकता है, मेडल नहीं कर सकता। तो इस वजह से उसने बोला कि व्हाट शैल आई डू विद इट, मतलब मुझे मेडल तो मिल गया बट ये मेडल कब तक काम आएगा? एक हफ्ते सब इसकी तारीफ तो करेंगे बट फिर तो ये कहीं एक जगह पड़ा ही रहेगा ना, मेरा पति तो नहीं होगा, उसका फिजिकल अपियरेंस तो नहीं होगा। तो यहाँ पर इसी की बात की गई है, और इसका नाम अब आप समझ गए होंगे कि द मेडल क्यों रखा गया है, क्योंकि जब कोई शहीद हो जाता है उसको मेडल मिलता है, बट उस मेडल की वैल्यू ऑब्वियसली होती है पर एक लिमिटेड टाइम तक, उसके बाद वो एक कोने में पड़ा रहता है और फैमिली को बहुत मुश्किल हो जाता है दिन काटना, हर दिन अपने पति के बिना, अपने बेटे के बिना, अपने बाप के बिना। तो इसमें यही बताया गया है कि द मेडल इज जस्ट अ पीस ऑफ ब्रॉन्ज, अ पर्सन कांट बी रिप्लेस बाय द मेडल। सो ये पोएम थी एंड मैंने पूरी कोशिश की मैं क्या मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे तरह, एंड आई होप सो कि मैंने एक्सप्लेन भी किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।